सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बाप समान लवली बनने के लिए अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप को याद करो, क्योंकि मैं आत्मा भी बिंदु हूँ तो मेरे पिता भी परमात्मा ज्योति बिंदु है, तो बिंदु बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, याद में रहने की गुप्त हड्डी मेहनत हर एक बच्चों को करनी है। क्यों करना है? क्योंकि याद के बगैर आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बन सकती। जब गुप्त याद में रहे दही अभिमानी बने, तब विकर्म विनाश हो। धर्मराज की सजाओं से बचने का साधन भी याद है। जनन जन्म हम जितने पाप किए हैं उसको मिटाने के लिए परमात्मा की याद बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, निरंतर बाबा की याद में रहो, गुप्त मेहनत करो, हड्डी हड्डी। माया के तूफान याद में ही विघ्न डालते हैं, इसलिए याद की गुप्त मेहनत कर, लक्ष्मी नारायण जैसे लवली बन सकेंगे। जितना हम गुप्त मेहनत करेंगे तभी हम लक्ष्मी नारायण जैसे लवली बन सकेंगे। क्योंकि संसार में आज पूजे जाते हैं लक्ष्मी नारायण, सभी प्यार करते हैं, तो वैसे ही बाप जैसे हम भी प्योर बनेंगे तो सबके प्यारे बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, यह महिमा है सबके बाप की। और बाबा ने आज बहुत प्यारा सा गीत याद किया है, ओम नमः शिवाय। याद किया जाता है भगवान को, अर्थात बाप को। भगवान माना हमारा पिता। बाबा कहते हैं, उन्हें माता पिता कहते हैं ना, गॉडफादर भी कहा जाता है। ऐसे नहीं सब मनुष्य को गॉडफादर कहेंगे, बाबा तो उनको लौकिक बाप को भी कहते हैं। लौकिक बाप जिसको कहते हैं वो भी फिर पारलौकिक बाप को याद करते हैं। मतलब लौकिक में हम अपने पिताजी को भी बाबा कहते हैं, तो मतलब बाबा जो है वो परमपिता परमात्मा है, ना कि सब मनुष्य भगवान बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, वास्तव में याद करने वाली आत्मा है जो लौकिक बाप को भी याद करती है। वो आत्मा अपने रूप को, एक्यूपेशन को नहीं जानती है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो गॉडफादर को कैसे मानेगी, जानेगी? अपने लौकिक फादर को तो सब जानते हैं, उनसे वर्षा मिलता है, नहीं तो याद क्यों करें? पारलौकिक बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा। कहते हैं, ओ गॉडफादर। बाबा कहते हैं, भल कितना भी साइंस आदि सीखते हैं जिससे मून तक चले जाते हैं, तो भी इस नॉलेज के आगे सब वो तुच्छ है। अपने को और बाप को जानना बड़ा मुश्किल है। जो भी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वो भी अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप हमारा बिंदी है, बस यही बात भूल जाते हैं। बाबा आज हमें होमवर्क दे रहे हैं कि दिन भर सोचना है कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरे पिता भी बिंदु है, भगवान स्वयं आए हैं मेरे पास, वो भी बिंदु है। मुख्य बात यही समझने की, आत्मा और परमात्मा को समझने के सिवाय बाकी नॉलेज तो सबकी बुद्धि में आ जाता है। हम 84 जन्म लेते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, यह चक्र फिरता रहता है। बाबा कहते हैं, जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे, निश्चय करेंगे, तो ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। कई बच्चों के मन में प्रश्न होता है तो मूंझ जाते हैं, लेकिन जब आत्मानुभूति करेंगे, मैं भी अपने अनुभव में सबको बताता हूँ, पहले आत्मा अनुभव करो, बाद में आगे के प्रश्न करो। आयरन एज में है, अब गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। इसी रीति बाप को याद करेंगे तो कट निकल जाएगा,
यह है मेहनत, दिन रात धुन लगी रहनी चाहिए, मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बिंदु बाबा बिंदु। बाबा कहते हैं इस योग में कोई भी तत्पर नहीं रहते हैं, अपने को बिंदी समझना और बाप को याद करना जिससे विकर्म विनाश हो सब भूल जाते हैं, कोई तत्पर नहीं रहते हैं, इस याद में रहे तो बहुत लवली हो जाए। ये लक्ष्मीनारायण देखो कितनी लवली है, यहाँ के मनुष्य तो देखो कैसे हैं, खुद भी कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है, हम जैसे म्लेच्छ हैं, आप स्वच्छ हैं। अब अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करेंगे तो सफलता मिले, नहीं तो सफलता बहुत थोड़ी मिलती है। भगत है समझदार बनना है, समझते हैं हमारे बहुत अच्छे ज्ञान है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं, लेकिन इससे क्या फायदा। बाबा कहते हैं विश्व के महाराजा महारानी एक बनते हैं जिनकी लाखों प्रजा बनती है, प्रजा तो बहुत है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना तो सहज है, परंतु जब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब पावन बनेंगे। तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिला रहे हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। चक्र का राज जानना सहज है, बाकी देही अभिमानी हो बाप को याद करना यह है मुश्किल, और इसी में मेहनत करना है हम बच्चों को। बाबा कहते हैं कल्प की आयु इन्होंने बड़ी कर दी है, तुम 5000 वर्ष सिद्ध कर सकते हो, परंतु आत्मा परमात्मा का राज कुछ भी नहीं जानते, याद ही नहीं करते, इसलिए अवस्था डगमगाती है। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बने तब माला के दाना बन सके, ऐसे नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री जगह भी समझते हैं समझाते हैं इसलिए हम माला के नजदीक आ जाएंगे, नहीं, आत्मा इतनी छोटी है इसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, इस बात को पहले पहले बुद्धि में लाना है, फिर चक्र को याद करना है। मूल बात है योग की, योगी अवस्था चाहिए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र होगी योग से, योग वाले ही धर्मराज के दंड से बच सकते हैं। यह मेहनत बड़ी मुश्किल कोई से होती है, माया के तूफान भी बहुत आएंगे, यह बहुत हड्डी गुप्त मेहनत है। भगत हैं ये बहुत मेहनत है, बार बार याद दिला रहे हैं आत्मा समझना है, आत्मा समझना है, और यह बहुत मेहनत की बात है। बाप ही पतित पावन है, हमको आकर दुखों से छुड़ाते हैं, समझाने के लिए आते हैं, परंतु इस अवस्था में तत्पर रहें कि मैं आत्मा हूं, इसमें ही मेहनत है। बाबा कहते हैं जितना हो सके सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं, समझते हैं मुझे साइलेंस में जाना है, निराकार दुनिया में जाकर विराजमान होना है, हमारा पाठ अभी पूरा हुआ, बाप का रूप छोटा बिंदी समझेंगे, कोई बड़ा लिंग नहीं है, बाबा बहुत छोटा है, वही नॉलेजफुल सर्व के सदगति दाता है, बिंदु तो है लेकिन सिंधु है, मैं आत्मा भी नॉलेजफुल बना रहा हूं। ऐसे चिंतन जब चले तब उच्च पद पा सकेंगे कि मैं आत्मा भी बाप समान बन रहा हूं, ये संकल्प लेके हमें पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है, ये पुरुषार्थ करना है। अब फिर देही अभिमानी बनने हैं, दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा को ही दिल बाप से लगाना है, दिल शरीर में नहीं, शरीर के तो सब स्थूल ऑर्गन्स हैं, दिल को लगाना यह आत्मा का काम है, मतलब मन बुद्धि बाबा में लग जाए, अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से दिल लगानी है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, बाबा आत्मा की ज्ञान दे रहे हैं आज बार बार कि कितनी छोटी सूक्ष्म आत्मा पाठ कितना बजाती है, यह है कुदरत, इतनी छोटी चीज में कितना अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वो कभी मिटने वाला नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, तुम कोशिश करेंगे तो भी बड़ी चीज याद आ जाएगी। मैं आत्मा छोटा स्टार हूं तो बाप भी छोटा है, तुम बच्चों को पहले पहले मेहनत यह करनी है। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए याद की गुप्त मेहनत करनी है, पावन बनने का उपाय है अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप को याद करना, ज्ञान में अपने आप को मियां मिठू नहीं समझना है, एक रस अवस्था बनाने का अभ्यास करना है, बाप का जो फरमान है उसे पालन करना है,
बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो ऐसे आपस में भी दिल के समीपता हो, स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई ना दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। तो आज के मुरली के अनुसार हम और गहरी चिंतन करते हुए इसका आनंद लेंगे। रोज ज्ञान अमृत को यूं ही रोज पीते रहेंगे, आत्मा के अंदर शक्ति भरते रहेंगे। और आज के मुरली के अनुसार हम सोमाल लेंगे, मैं संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूं, मैं संपूर्ण फरिश्ता आत्मा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, बाबा को याद करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।